दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ज़मीन का रसीद कैसे चेक किया जाता है कि आपका ज़मीन का रसीद कटा है या नहीं कटा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं और ये भी बताने वाले हैं कि आप ज़मीन का रसीद डाउनलोड कैसे करें। तो दोस्तों इस वीडियो को आप कम्प्लीट देख सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए। इससे क्या होगा, जब कभी भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन के द्वारा वीडियो पहुंच जाएगा। और हो दोस्तों इस वीडियो को देखिएगा जरूर और शेयर भी कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों यहां पे आपको ज़मीन का रसीद जो है आपका कटा हुआ है या नहीं कटा हुआ है कैसे चेक करेंगे, तो आप अपने मोबाइल का कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। तो जैसे ही आप ब्राउज़र ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको लिखना है bhulagaon.bihar.gov.in। ये टाइप करने के बाद आप जो है सर्च कर देंगे, तो सर्च करने के बाद आपके सामने जो है यह बिहार सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यह आपके सामने खुल जाएगा। तो डायरेक्ट इस पेज पे आना चाहते हैं तो नीचे लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से क्लिक करके डायरेक्ट आप इस पेज पे आ सकते हैं। तो दोस्तों यहां पे आपको करना क्या पड़ेगा, आप ये कि यहां पे ऑप्शन देख रहे हैं रजिस्टर देखे, तो इस वाले आइकन देना है। तो जैसे ही आप इस वाले आइकन पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पेज पे आने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको पूछा जा रहा है आपका ज़िला का नाम क्या है। तो दोस्तों आप जिस भी ज़िले से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर आप अपना ज़िले का नाम जो है इंटर यहाँ पर कर देंगे। तो चलिए हम अपना ज़िले दे दिए। उसके बाद यहाँ पर अंचल का नाम यानी कि जहाँ आपका थाना पड़ता है वो आप यहाँ पर दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर हल्का का नाम, हल्का का नाम जो आपका गांव का नाम है वही आपके हल्का का नाम है। तो चलिए हम अपना यहां गांव का नाम दे दिए हल्का के नाम पे। उसके बाद मौजा का नाम जो आपके गांव का नाम है वही आपके मौजा का नाम हो गया। उसके बाद आप किस प्रकार से खोजना चाहते हैं, चाहे आप प्लाट नंबर से खोजना चाहते हैं, चाहे पृष्ठ संख्या वर्तमान से खोजना चाहते हैं, या जो भी आप ज़मीन खोज रहे हैं उसके मालिक के नाम से आप खोजना चाहते हैं, रैयत के नाम से खोजना चाहते हैं, नाम से खोजना चाहते हैं, तो इस वाले आइकन पे आप क्लिक कर देंगे। अगर आप खाता संख्या से खोजना चाहते हैं तो इस वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए हम आपको एक बार बताते हैं खाता नंबर से खोज सकते हैं आप। ये सब जो आपको रसीद में ही मिल जाएगा, अगर आपके पुराना रसीद है तो यहाँ पे खाता नंबर खसरा नंबर आपके रसीद में ही दिया रहता है, ये आपको याद रहना बेहद ही ज़रूरी है। तो दोस्तों चलिए हम यहाँ पर अपना जो खाता नंबर यहाँ पे दे देते हैं। खाता नंबर देने के बाद तो यहाँ पे दोस्तों आप खोजे पे आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप खोजे पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे देखिए आपके पूरे डिटेल आ जाएगा, जो भी इस खाते संख्या पे जितना भी ज़मीन है सभी का यहाँ पे आ जाएगा ज़मीन, और साथ ही साथ रसीद भी आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है पाँचवा नंबर पे ये मेरा ज़मीन है। तो यहाँ पे जो है हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखे पे क्लिक करेंगे तो मेरा रसीद का जो है पूरा डिटेल निकल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना मेरा ज़मीन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लॉट संख्या, उसके बाद कितना रकबा है 89.4 हेक्टेयर। उसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं लगान कितना लगा है, उसके बाद स्वास्थ्य शेष कितना है, उसके बाद कुल जो है रसीद कटाने में कितना रुपया लगा है आप यहां पे देख सकते हैं। उसके बाद यहां पे दोस्तों आपको रसीद निकालने के लिए यहां पे देखिए पिछला भुगतान देखें, तो यहां पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा, रसीद संख्या मिल जाएगा, और वर्ष से यानी कि कब से और कब तक आप जो है रसीद कटा है वो भी आपको मिल जाएगा। 2019 से 20 तक मेरा रसीद कटा हुआ। उसके बाद यहाँ पे डेट भी आप देख सकते हैं आपका किस डेट में रसीद ये कटा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2019/8/12 को 12:40:37 में ये रसीद कटा है। उसके बाद यहाँ पर कुल ₹350 लगा है रसीद कटाने में। उसके बाद यहाँ पर आप रसीद देखना चाहते हैं यहाँ पर देखे पे आप क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप देखे पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाता है, रसीद निकल गया है। तो यहाँ पे देखिए जो भी ओनर का आप रसीद निकालना चाहते हैं उस ओनर का यहाँ पे नाम रहेगा, उसके बाद खाता संख्या 180 देखिए हम आपको डाल के बताए थे 180, उसके बाद खेसरा संख्या
उसके बाद रकवा यानी कि डिसमिल में 89.4 डिसमिल यहाँ पे देखिए रसीद में दिया गया। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यानी कि 12/8/2019 को ये रसीद कटा है। ये है QR कोड, यानी कि आप इसे स्कैन करके भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं अपना रसीद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि 2013 से 2014 से यहाँ पे 2019-20 तक ये जो है मेरा ज़मीन का रसीद कटा हुआ है। तो अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं ये रसीद को, तो यहाँ पे प्रिंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है प्रिंट, तो प्रिंट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको जो है यह रसीद डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों आप इसी तरीके से अपना ज़मीन का रसीद जो है बहुत ही आसानी तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो है बेल आइकन उसे भी आप दबाइए। तो दोस्तों कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।